तराई में होली का जोश बरकरार है। गांव हो या शहर, हर जगह होली का आयोजन हो रहा है। अलग अलग संस्कृति से ताल्लुक रखने वाले लोग मिलजुल कर होली गायन करते हुए होली की मस्ती में सरोबार है। रंगों के त्योहार होली को लेकर जिला मुख्यालय रुद्रपुर का बाजार भी सज गया है। दुकानों में बच्चों की पिचकारियां, अबीर, गुलाल के साथ तमाम रंग बिक्री के लिए रखे गए हैं। इस बार होली से सामानों पर महंगाई की मार दिख रही है, लेकिन होली का जोश गली मोहल्लों में हो रही होली बैठकों और होली महोत्सवों में खूब दिखाई दे रहा है। पुरुष हो या महिलाएं, सभी बैठकी और खड़ी होली का आयोजन कर होली गीतों पर खूब रंग जमा रहे हैं। होली के त्योहार को देखते हुए जहां दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए तरह तरह के रंग और बच्चों की पिचकारी के अलावा अन्य सामान की व्यवस्था की है, वहीं होली शांतिपूर्ण निपटे इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा भी अमन कमेटी की बैठक के अलावा जनपद भर में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। होली के त्योहार से पहले ही पुलिस प्रशासन के द्वारा थाना चौकी स्तर पर लोगों के साथ बैठक शुरू कर दी जाती है। वहीं अब बैठक को अंतिम रूप देकर होली के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। स्थापित परंपरा है थाने में कि प्रत्येक पर्व त्योहार पे जो कि सामूहिक रूप से मनाया जाता है, उसमें हमारे द्वारा CLG और जो क्षेत्र के मौजूद लोग हैं उनकी मीटिंगें की जाती हैं। चूँकि होली का त्यौहार आ रहा है और इसमें एक तो होली का दहन का भी पार्ट है और दूसरा रंगों का त्यौहार भी है। सबसे हम अपेक्षा करते हैं कि रंगों के इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, पूरे उल्लास के साथ मनाएं, अच्छे अच्छे पकवान बना रखा है और इस तरह से हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार होली बीतती है और नया महीना हमारा शुरू होता है, नए वर्ष का शांतिपूर्वक आगमन करें, यही हम सब हमारी सबसे अपेक्षा है। उधम सिंह नगर में होली का रंग खूब जम रहा है। बाजार से लेकर घरों तक होली की धूम मची हुई है। होली गीतों पर लोग खूब थिरक रहे हैं और महिलाएं स्वांग भी रच रही हैं। वहीं लोकसभा चुनाव का माहौल होने के चलते राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेता भी लोगों के घर घर जाकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं और इस बीच अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करते हुए राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। रंगों का ये पर्व ऐसा पर्व है कि इसमें दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, आपने वो एक गाना भी सुना होगा। और इसमें इस बार जो चाइना का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया है, ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है और इसमें वैसे रंगों का ये ऐसा पर्व है, इसमें जितने भी हमारे कोई से भी पार्टी के कोई से भी हो, वो सब आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के बधाइयाँ दे रहे हैं, मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, गुजिया खिला रहे हैं। वैसे मुझे लगता है ये जो लोकसभा का चुनाव है बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। उधम सिंह नगर से सहयोगी तापस विश्वास के साथ विकास कुमार वर्मा की रिपोर्ट।